बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद सहबान द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस नोट जारी कर वर्तमान पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सैनी पर लगाए गए आरोपों के जवाब में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता में उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रसाद साहू, चेयरमैन सत्यनारायण सैनी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष जहर उद्दीन, गांधी दर्शन समिति के संयोजक मोहनलाल अग्रवाल, संगठन महासचिव अरविंद सिंगोदिया, पूर्व सरपंच रतन सिंह गुज्जर, प्रवक्ता हनुमान सिंगल, पार्षद लवकुश वर्मा, पार्षद सद्दाम हुसैन, राहुल टाइमा, सौरव सर्राफ आदि सहित कई कांग्रेस जन उपस्थित रहे। मोहन भाई साहब, जोर भाई साहब, सभी साहबान और मेरी पार्टी के पदाधिकारी का पिछले दो पांच दिनों से विपक्ष की दलों के द्वारा हमारे नॉमिनेट चेयरमैन साहब के ऊपर नाजायज भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कल भी यहां के सभी पार्षदों ने एक प्रेस नोट सामूहिक रूप से जारी किया था, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कल जो आरोप लगाए उनको निराधार बताए, चेयरमैन साहब ने भी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए, वो उनको निराधार बता रहे हैं। और ये जो लाइट की टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं उस पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया उन्होंने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 6.5 साल से इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। 1.5 साल में क्या किया वह प्रूफ चेयरमैन साहब ने आपको बताया ऑन रिकॉर्ड, और पिछले 5 साल में क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले 5 साल में आप भी उसी बोर्ड में पार्षद थे और उस कार्यकाल में क्या हुआ आपको पूरा अनुभव है। इन्होंने पिछले 5 साल में लगभग जहाँ तक सारा मुद्दा एक ही चीज़ को लेकर बना रहे हैं कि लाइट में भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि करना चाह रहे हैं वो अलग बात है, पिछले 5 साल में मेरे हिसाब से 7 करोड़ से लेकर 8-10 करोड़ तक के लाइट के काम इस बोर्ड ने पिछले बोर्ड ने करवाए हैं। उसमें क्या टेंडर प्रक्रिया रही, क्या नियम कानून थे, किस तरह से ठेकेदार को आमंत्रित किया गया, ये सब जो किया वही सेम पद्धति, ठेकेदार तो कौन आएगा अभी छुपा हुआ है, लेकिन नियम कानून सारे वही हैं, वही नियम कानून लगाते हो आपने टेंडर प्रक्रिया जारी की, लेकिन वो कह रहे हैं कि साफ भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। इसका मतलब एक आदमी ने जो काम उसी तरह से किया है वो ईमानदारी से किया है और हमारे चेयरमैन साहब भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो या तो ये अपने आत्मचिंतन करें और ये करें कि हमारे जो पिछले कार्यकाल में काम हुए हैं वो वास्तव में भ्रष्टाचार उनमें भी था।